बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास फोर का ये नॉवल द रेलवे चिल्ड्रन, इसका चैप्टर नंबर फोर, और आज हम चैप्टर नंबर फोर का सेकंड पार्ट रीड करेंगे जो कि पेज नंबर 16 के जो लास्ट टू पैराग्राफ है वहां से शुरू होता है, व्हेन मदर अराइव्ड, और जब माँ आ गई। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था, इससे पिछले वीडियो में हमने ये सीखा और इससे ऊपर वाले जो पैराग्राफ है उनमें हमने ये पढ़ा है कि किस तरह से वो जो क्राउड था वो वहाँ पे जमा था और पास्टर ने कोशिश की कि किसी तरीके से, सॉरी, पीटर ने कोशिश की कि किसी तरीके से कुछ बोला जाए, और वो एक फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ अल्फाज उसने बोले। फिर उन्होंने बताया कि हमारी माँ फ्रेंच लैंग्वेज जानती है, सो वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। When mother arrived, और जब माँ आ गई, the strange man rose, और जो अजनबी शख्स था, rise एक first form है उठना, खड़े होना, और rose उसकी second form है खड़े होना। So the man, strange man rose, और वो अजनबी शख्स उठा, खड़ा हुआ, and bowed her, और उसके सामने झुक गया, टू हर मदर के सामने। देन मदर स्पोक इन फ्रेंच, और फिर माँ फ्रेंच लैंग्वेज में बात की। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने जवाब दिया, ही स्पोक फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर तक बोलता रहा, वो जो फ्रेंच लैंग्वेज में वो जो अजनबी स्ट्रेंज मैन था। एंड देन मदर रिप्लाइड, और फिर माँ उसे जवाब देती, इन अ सॉफ्ट, बहुत ही नरम और काइंड वॉइस, और मेहरबान आवाज़ के साथ, ना बड़ी तहम्मुल के साथ बात करती। वेल, ठीक है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम मैम, कि मैम इसका मसला क्या है। द स्टेशन मास्टर आस्क्ड द मदर, और स्टेशन मास्टर ने माँ से ये सवाल किया कि अब इसका मसला क्या है, ये किस प्रॉब्लम में है। ओह, शी सेड, उसने कहा, दिस मैन इज अ रशियन, ये एक रशियन आदमी है, एंड ही हैड लॉस्ट हिज टिकट, और इससे इसकी जो टिकट है वो गुम हो गई है। आई एम अफ्रेड ही इज वेरी इल, और मुझे डर है कि ये बहुत बीमार है। इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा नहीं लगे, अब वो परमिशन ले रही है, आई विल टेक हिम होम, मैं इसे घर ले जाती हूँ, विद मी, अपने साथ, नाउ, अब, और अब अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाती। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 18 पे हम आते हैं, द स्टेशन मास्टर एग्रीड, और जो स्टेशन मास्टर है वो इससे एग्री कर लेता है, वो इस पे रजामंद हो जाता है। यू गर्ल्स रन होम, लड़कियों आप तेजी से घर जाएं, एंड लाइट अ फायर इन अ सिटिंग रूम, और सिटिंग रूम के अंदर आग जला लें, यानी सर्दियां थी, ठंड लग रही थी, तो उसने, मदर ने बच्चियों को कहा कि आप दौड़ के जाएं। मदर सेड टू बॉबी एंड फिली, मदर ने बॉबी और फिली को कहा, एंड पीटर यू गो फॉर अ डॉक्टर, और पीटर आप डॉक्टर की तरफ चले जाएं। ही नीड अ लॉट ऑफ रेस्ट, इनको बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है, सेड डॉक्टर फॉरेस्ट, डॉक्टर फॉरेस्ट ने कहा, एंड लेट हिम हैव अ फायर, और इसके लिए कुछ आग का बंदोबस्त करें, एट नाइट, रात में, यानी इसके, इसे सर्दी से बचाने के लिए कुछ रात में आग का इंतजाम करें। सो मदर डिसाइडेड टू पुट द रशियन, और माँ ने ये फैसला किया कि रशियन को हम रखते हैं इन द मेन बेडरूम, मेन बेडरूम में, बिकॉज इट हैड अ फायर प्लेस, कि मेन बेडरूम में फायर प्लेस है, आग जलाने के लिए अंगीठी वहां पे मौजूद है। व्हेन द रशियन वॉज अस्लीप, और जब वो रशियन सो गया था, शी वेंट इन टू द गर्ल्स रूम, और माँ जो है वो बच्चों के कमरे में आ गई, पीटर वॉज देर टू, और पीटर भी वहीं पे था। ओह मदर, माँ, वॉन्ट यू टेल अस, क्या आप हमें नहीं बताएंगी, व्हाट द रशियन मैन टोल्ड यू, के रशियन मैन ने आपको क्या बोला है, क्या बताया है। ऑल थ्री चिल्ड्रन आस्क्ड एट वंस, और तीनों बच्चों ने एक ही मर्तबा, एक ही सांस में ये सवाल कर दिया। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, ये एक लंबी कहानी है। शी सेड, माँ ने कहा, यू सी, आपने देखा, डियर्स, दिस मैन इज अ राइटर, ये आदमी एक राइटर है, शी रोट अ ब्यूटिफुल बुक, इसने काफी खूबसूरत किताबें लिखी, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉन्टेड टू हेल्प पोअर पीपल, ये गरीब लोगों की मदद करना चाहता था, बट सम इम्पॉर्टेंट पीपल, लेकिन कुछ बड़े लोगों ने, डिडंट
डिड नॉट लाइक इट, उनको ये बात पसंद नहीं आई, एंड सेंड हिम टू प्रिजन, और उन्होंने इसको जेल में डाल दिया। लेटर बाद में ही मैनेज्ड टू स्केप, इसने कुछ भाग निकलने की तरफ कुछ प्लान किया और ये बच बचा के निकला। एंड हियर्ड, और इसने सुना डेट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, के इसकी बीवी और इसके बच्चे हैड कम टू द इंग्लैंड, के वो इंग्लैंड आ गए हैं। ही इज हेयर लुकिंग फॉर देम, अब ये यहां है उनको तलाश करने के लिए। ओह मदर, क्राइड बॉबी, बॉबी ने अफसोस किया, चिल्लाई, वी मस्ट हेल्प हिम, हम इसकी मदद करेंगे। यस डियर, हाँ प्यारी, सेड मदर, माँ ने ये जवाब दिया। इट विल आई विल राइट सम लेटर्स, मैं कुछ खत लिखूंगी, एंड ट्राई टू हेल्प हिम, और कोशिश करूंगी इसकी हेल्प हो जाए, फाइंड हिज फैमिली, के इसकी फैमिली इसे मिल जाए। नाउ अब लेट्स ऑल गो टू स्लीप एंड रेस्ट, आज सब सोते हैं और आराम करते हैं। सो आज की हमारी वीडियो में स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 की अच्छे से रीडिंग की है। काइंडली आप भी इसे बार बार रीड कीजिएगा, जो आपको थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं उनकी स्पेलिंग और उनको राइटिंग के साथ, ताकि आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होए और आपके जो वोकेबलरी है वो भी इम्प्रूव होए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।